बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड हो चुका है टेलीकास्ट, जो कि कई मायनों में बेहद ही खास, मजेदार और एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि यहां पर घर वालों से मिलने के लिए फिर से घर में एंट्री हुई है बिग बॉस के घर में मौजूद सदस्यों के परिवार वालों की। इस दौरान घर में सिद्धार्थ शुक्ला की माँ, शहनाज के पापा, माहिरा की माँ, शेफाली के पति, इन सब की एंट्री हुई और साथ ही साथ आसिम रियाज के भाई उमर रियाज के भी घर में एंट्री हुई। और इसके अलावा घर में घर वालों में शहनाज और रश्मि देसाई के बीच में एक बार फाइट देखने को मिली। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास, मजेदार, एंटरटेनिंग और धमाकेदार रहा, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाईलाइट्स। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में घर में एंट्री हुई शेफाली जरीवाला के हस्बैंड की। शेफाली जरीवाला के हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताते हुए नजर आए, जहां पर उन्हें गोद में लेकर पूरे घर में घूमते हुए दिखे, उन्हें फुट मसाज दी और साथ ही साथ अपने गेम को लेकर उन्हें स्ट्रांग बने रहने की सलाह दी। इसके अलावा पराग ने घर के बाकी सदस्यों से भी मुलाकात की और साथ हिमांशी से जुड़ा एक मैसेज आसिम रियाज को दिया कि हिमांशी ने शादी नहीं की है, और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी कि मेरी बीवी से ढंग से बात करना और मेरी बीवी से दूर रहना। इसके अलावा घर में एंट्री हुई माहिरा शर्मा की माँ की। माहिरा शर्मा की माँ ने माहिरा से मुलाकात और साथ ही अपने गेम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा और कहा कि पारस छाबड़ा से दूर रहना, क्योंकि जो किस करता है मुझे नहीं पसंद। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती हुई नजर आई, उन्हें हक किया। रश्मि देसाई को कहा कि तुम्हें बहुत पसंद करती, तुम्हारे सारे सीरियल्स देखे हैं। आसिम रियाज को अपना बेटा बताकर उन्हें किस करती हुई दिखी। तो साथ ही पारस छाबड़ा को भी कहा कि मेरी बेटी से दूर रहना एंड डोंट यू डेयर टू किस हर। साथ ही शहनाज की भी तारीफ की, उन्हें गले लगाया, उन्हें किस भी किया। इसके अलावा घर में एंट्री हुई शहनाज गिल के पिता की। शहनाज गिल के पिता ने उन्हें कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो कुछ भी है उसे कंटिन्यू नहीं करना है, जो कुछ भी सुन रहा हूँ कि सिद्धार्थ जीतना है, ये नहीं, तुझे ट्रॉफी जीतनी है। पारस छाबड़ा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे दूर रहना। रश्मि देसाई तुझे बहकाती फुसलाती है, नहीं सुनना, अपने गेम पर फोकस कर, बाहर लोग तुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, बस गेम पर ध्यान दे, क्योंकि अब तू शो जीतने के बहुत ही ज्यादा करीब है। इसके अलावा यहाँ रात के वक्त शहनाज गिल और रश्मि देसाई के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाती हुई नजर आती है। अगले दिन की सुबह होती है, घर वाले एक एनर्जेटिक गाने पर झूमते नाचते गाते हुए दिखते हैं। टास्क के अगले राउंड के लिए सभी रेडी हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर शहनाज गिल और रश्मि देसाई एक बार फिर से एक दूसरे से लड़ती झगड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कल रात के झगड़े का गुस्सा अभी तक रश्मि देसाई भूल नहीं पाती है। और शहनाज कहती है कि तू मुझसे बात नहीं करी, ये तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़ों में ये सब चीजें हो ही जाती है। और रश्मि भी कह देती है कि शहनाज तेरा है, तू अपने पास तक रख, और मुझे तेरी बकवासें सुनने की कोई आदत नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, और हाँ, तेरी फालतू की चीजें मैं सुनने के लिए बैठी नहीं हूँ। यहाँ पर वो रोना भी शुरू कर देती है और कहती है कि यहाँ पर मन में आता वही मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है, ये सब चीजें नहीं लूंगी मैं। फैमिली राउंड की शुरुआत होती है, घर में एंट्री होती है आसिम रियाज के भाई उमर रियाज की। उमर रियाज अपने भाई आसिम रियाज से मिलते हैं और कहते हैं कि तू बहुत सही कर रहा है, लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, और मेरे भाई इसे कंटिन्यू कर, गुस्से पर कंट्रोल कर। यहाँ पर आसिम रियाज अपने भाई को बताते हैं कि हिमांशी का मैसेज आया है कि उसने शादी नहीं की, क्योंकि पराग ने बताया, और उमर रियाज इस पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद बाहर आसिम रियाज के भाई उमर रियाज रश्मि देसाई से मिलते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे भाई का सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और सिद्धार्थ शुक्ला से कहते हैं कि आप उसके बड़े भाई की तरह थे, आप दोनों की दोस्ती को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, बाकी सब भी पसंद करते हैं, बस अपने शब्दों पर दोनों के दोनों बहुत ज्यादा कंट्रोल रखे, क्योंकि गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं गुस्से झगड़े में, आप दोनों अग्रेसिव हैं, आई नो, बट स्टिल अपने शब्दों के साथ थोड़ा ख्याल रखें। इसके बाद घर में एंट्री होती है सिद्धार्थ शुक्ला की माँ की। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ को देखकर अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उन्हें गले लगकर खूब रोते हुए नजर आते हैं। उनकी माँ भी उन्हें सलाह देती है कि हंसते मुस्कुराते रहा कर और हाँ, कपड़े पूरे पहने रहा कर। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ से रश्मि देसाई को मिलवाते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला कहते हुए नजर आते हैं कि देख, सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि रश्मि देसाई मेरे पेशेंट्स का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है और वो कहती है कि ये मेरा ख्याल रखते हैं और मैं इनका ख्याल। रश्मि को लेकर उनकी माँ कहती है कि रखना भी पड़ेगा। और इस तरीके से आज का ये जो एपिसोड था वो कई मायनों में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहा। और सबसे खास बात ये रही कि जब शहनाज गिल के पिता पारस छाबड़ा को इतना ज्यादा डांट फटकार लगा के चले जाते हैं, बाहर गार्डन एरिया में ये बैठे बात कर रहे होते हैं माहिरा और पारस, तब शहनाज के पिता को लेकर पारस छाबड़ा कहते हुए नजर आते हैं कि शहनाज के पिता ने जो कुछ भी कहा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके पेओ पे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्या ही कहूँ। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 110 की हाइलाइट्स। और इसी तरह से टेढ़े सीजन से जुड़ी और भी कई टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरें और हर एपिसोड से जुड़ा हाइलाइट यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।